पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लिखा है मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है और उसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है सोनिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 25,000। सोनिया ने बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते समय उसके पास 25,000 रुपीज़ कैश था। कैश एक वैल्यूएबल असेट है और असेट है तो असेट के अंदर हम कैश के नाम का एक कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 25,000। सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट एंट्री में 25,000 पे कैश है तो 25,000 ही उसकी कैपिटल भी होगी। अगर यहाँ पे 50,000 उसने इन्वेस्ट किया तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाती है, 50,000। तो कैपिटल की हेडिंग में फिर से कैपिटल ही लिख देते हैं कि कैपिटल है और ये वैल्यू कितनी है, 25,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन में क्या लिख देंगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे जी स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस को हमने क्या किया, स्टार्ट किया। नेक्स्ट इसमें लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज़ 15,000, 15,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए। ध्यान रखना डिपॉजिट जो आप करोगे वो यही कैश करोगे, जो आपके पास कैश था वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अब मुझे बताइए अगर बैंक में डिपॉजिट कर दे तो जो बैंक बैलेंस है क्या वो हमारी एसेट में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। अगर कोई बंदा कहे मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है, हम कहेंगे बहुत अमीर आदमी है, तेरे पास तो बहुत सारी एसेट है, 1 करोड़ रुपए की एसेट है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या है, एक असेट है। तो असेट कॉलम में एक नया कॉलम बना लेते हैं, क्या बैंक, कितना पैसा डिपॉजिट किया, 15,000। तो आपकी एक न्यू टाइप की असेट बैंक बैलेंस के नाम से क्रिएट हो जाएगी और ये जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, क्या चीज़ आपके पास से शॉर्ट भी हो जाएगी, क्या चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, कैश। तो जितना आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया उतना ही कैश बैलेंस जो है वो कम कर देंगे। यही चीज़ डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वो टू वे रिकॉर्ड होगा, जो लेंगे उसे भी एडजस्ट करेंगे और जो देंगे उसे भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि आपकी एसेट की पोजीशन उतनी की उतनी, आपने नया पैसा घर से तो ला के डाला नहीं। ठीक है, तो कैपिटल के आगे डाल देते हैं 0 और उसके बाद पे लिख देते हैं ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है, ये हमने क्या क्या था, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमने कहाँ पे जमा करा दिया, बैंक में। और उसके बाद फिर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन का मतलब हमारी क्या पोजीशन है। अब हमारी पोजीशन ये है कि हमारी कैपिटल तो 25,000 है लेकिन ये कैपिटल दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, कैश हमारे पास 10,000 है और बैंक में हमारे पास 15,000 है। क्लियर है, आगे इसके बाद इसमें लिखा है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 4,000 एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा है 4,000 रुपये का और जो 4,000 रुपये का सामान खरीदा है उसकी पेमेंट चेक से किया है। पहली बात, सामान खरीदोगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा, गुड्स अगर हमने खरीदा तो क्या हमारे पास एक नई टाइप की असेट नहीं आ जाएगी, जितनी तरह की चीज़ें तुम खरीदते जाओगे उतनी तरीके की तुम्हारे पास असेट्स जो हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। तुमने कार खरीद लिया, कार एक असेट है, बाइक खरीद ली, बाइक एक असेट है, एयर कंडीशनर खरीद लिया, एयर कंडीशनर एक असेट है। जितनी टाइप की चीज़ें खरीदोगे उतनी नई नई टाइप की असेट क्रिएट हो जाएंगी। तो एक और टाइप की असेट क्रिएट कर देते हैं जिसको नाम देते हैं गुड्स या स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीदा हमने, 4,000 रुपये का। ठीक है, तो गुड्स के कॉलम में इसे ऐड करते थे, गुड्स के नीचे से ऐड कर ले, लेकिन फ्री तो नहीं मिला, आपको इसके दाम चुकाने और आपने इस बार पेमेंट चेक से किया। तो बताइए चेक से अगर पेमेंट किया कहाँ से पैसा कम हो जाएगा, बैंक का जो बैलेंस है वो उतना ही कम हो जाएगा जितने की चीज़ है। अगर 5,000 की चीज़ खरीदी होती तो 5,000 रुपये का चेक बनाना पड़ता, 6,000 की चीज़ होती तो 6,000 का। फ्री में कहीं से सामान नहीं मिलता है। जब भी डील करेंगे दोनों चीज़ों पर असर देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों पर असर पड़ा, स्टॉक बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, बाकी चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वहाँ पर जीरो प्लेस कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, परचेज्ड गुड्स, एग्जाम में पूरा भी लिख सकते हैं परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। ठीक है, और इसके बाद फिर न्यू बैलेंस चेक करते हैं, न्यू इक्वेशन हमारी क्या आ जाती है, न्यू इक्वेशन जो आती है उसमें हमारा कैपिटल का बैलेंस तो 25,000 ही है लेकिन अब हमारे पास असेट तीन टाइप की हो गई है, कैश 10,000 है, बैंक का बैलेंस कम होके 11,000 लेकिन स्टॉक भी हमारे पास 4,000 आ गया, टोटल 25,000 तीन फॉर्म में आके यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है परचेज इक्विपमेंट ऑफ रुपीज़ 2,500। हम मार्केट में गए और इस बार फिर से जाके इक्विपमेंट खरीद के ले आए, एक और नई चीज़ आपने परचेज कर ली है। जितनी चीज़ें खरीदोगे उतनी टाइप की एसेट बनती चली जाएगी। तो नई चीज़ हमने क्या खरीदी है, इक्विपमेंट्स, एक और कॉलम बना लो यहाँ पे इक्विपमेंट्स, कितने के खरीदे हैं, 2,500। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि पैसे दिए कि नहीं दिए, लेकिन आप क्या समझते हैं, पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, दिए होंगे। और
देने के लिए आपके पास दो फॉर्म है, कैश भी है और बैंक भी है। बाय डिफॉल्ट हम कैश को यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जब वो चेक बोलेगा तो बैंक को यूज कर देंगे वरना कैश। तो आपने 2500 की चीज खरीदी तो 2500 ही दिए होंगे, 3000 तो नहीं दिए होंगे, 4000 की चीज खरीदी थी तो 4000। तो देख लो डबल एंट्री हो गई है, एक चीज आई उस पर भी असर पड़ गया, जो चीज जा रही है उस पर भी असर पड़ गया, बाकी चीजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वहां पर क्या डाल देते हैं जीरो। और क्या बोलते हैं, क्या हुआ ये परचेस्ड इक्विपमेंट्स, और ये काम करने के बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। कैपिटल हमारी स्टिल 25,000 है, हाँ एसेट्स के अंदर कैश का बैलेंस रिड्यूस होके 7,500 हो गया है, बैंक का बैलेंस 11,000 है, स्टॉक 4,000 है और इक्विपमेंट हमारे पास 2,500 है। किसी भी मूवमेंट पे आप इसका टोटल वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड का टोटल इक्वल मिलेगा। अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,200, कॉस्ट ₹1,000। हमने सामान बेच दिया, इस बार सोल्ड किया है गुड्स, और जब सामान बेचा जाता है तब कुछ कमाने की कोशिश की जाती है। हम बिजनेस करते ही कमाने के लिए, और कमाने का मेन जो हमारा सोर्स होता है वो होता है सेल्स। तो यहाँ पे हमने सामान बेचा है ₹1,200 में, मतलब ग्राहक से ₹1,200 लिए हैं। सामान बेचोगे तो पैसे तो लोगे, क्लियर लिखा है फॉर कैश ₹1,200, मतलब ग्राहक ने तुम्हें ₹1,200 दे दिए। बताइए अगर वो पैसे देगा तो यहाँ पे कौन सी चीज़ पे असर पड़ेगा, कैश पे असर पड़ेगा, और आपकी दुकान में आपके पास अब ₹1,200 एक्स्ट्रा कैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन ये कैश फ्री में नहीं मिला आपको, इसके बदले में आपको स्टॉक देना पड़ेगा, गुड्स उसको देना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, आपको असलियत पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज़ ₹1,000 की है, ₹1,200 की नहीं है, क्लियर लिखा है क्वेश्चन के अंदर इसकी कॉस्ट कितनी थी ₹1,000। अगर आपको असलियत पता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप असलियत ही लिखेंगे, झूठ नहीं लिखेंगे। आपको पता है जो सामान हमने दिया है वो 1200 में बिका जरूर, लेकिन वो सामान 1200 का नहीं खरीदा गया, कितने का, 1000 का खरीदा गया। बात समझ में आ गई है, चीज़ है ₹1,000 की, हमने जो चीज़ दी है हज़ार की दी है, इसलिए हमने स्टॉक को ₹1,000 ही कम किया, लेकिन कस्टमर से थोड़ी ₹1,000 ले रहे हैं, कस्टमर से हम उसके बदले में ₹1,200 ले रहे हैं। तो कैश जो हमारे पास आया है ₹1,200, और यही हमारे बिजनेस करने का मोटिव भी है, हम चीज़ें सस्ती महंगी बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया है, ₹200 का। जब भी ट्रांजेक्शन मिसमैच होगा 99% चांस है कि वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा ऑनर के अकाउंट में पास कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस रियलिटी में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ना प्रॉफिट से कुछ मतलब रखता है ना लॉस से। बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेसमैन का प्रॉफिट बनता है, और बिजनेस का लॉस बिजनेसमैन का लॉस बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेसमैन को पास कर दिया जाएगा, बिजनेसमैन का पैसा क्या है, कैपिटल है। और इस में बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, ₹200 का प्रॉफिट, तो हम बिजनेसमैन के अकाउंट में ₹200 का प्रॉफिट एडवांटेज ऐड कर देंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद हमारे पास आएगी हमारी न्यू इक्वेशन, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट होने से बिजनेसमैन का पैसा बढ़ता है, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ती है, और लॉस होने से बिजनेसमैन का पैसा घटता है, मतलब उसकी कैपिटल घट जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिगर हो जाएगी 8,700, फिर 11,000, फिर स्टॉक कम हो के 3,000, और उसके बाद 2,500 के हमारे इक्विपमेंट्स हैं। सिक्स्थ, नेक्स्ट, सोनिया विड्रॉ 3,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। अब सोनिया ने अपने पर्सनल किसी काम के लिए बिजनेस के 3,000 पे निकाल, ध्यान रखना बिजनेस के पैसे निकल गए मतलब बिजनेस के पास कैश कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कम, कितना, ₹3,000 कैश कम। और ध्यान रखना उस 3,000 को निकाल के उसने बिजनेस में कुछ डाला भी नहीं, क्योंकि निकाल के वो पर्सनल यूज के लिए घर ले गई। बिजनेस से जैसे ही वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगी वैसे ही बिजनेस में उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। घर से पैसा ला के डाल दें, बिजनेस के पास असेट भी बढ़ेंगे और बिजनेस में उसकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, लेकिन बिजनेस से पैसा निकाल ले तो असेट्स भी कम हो जाएंगी और उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, जितना पैसा उसने इस पर्सनल काम के लिए निकाल लिया। क्या बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में इसके लिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स टेक्निकल वर्ड होता है जो हम इसके लिए यूज करते हैं, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा कैपिटल और बिजनेस से निकाला हुआ पैसा ड्राइंग्स कहलाता है। ये काम करने के बाद आपके पास आएगी आपकी फिर से न्यू इक्वेशन, आपकी कैपिटल घट के ₹22,200 ही रह गई अब, और यहाँ पर 5,700 हमारे पास कैश है, 11,000 बैंक है, 3,000 का हमारे पास गुड्स है और 2,500 के इक्विपमेंट है। जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा वहाँ पे आप ज़ीरो डाल सकते हैं हर जगह, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद सेवन ट्रांजेक्शन है, सेवन ट्रांस में लिखा है पेड सैलरी ₹2,500 एंड ऑफिस रेंट ₹1,200। एक ही डील में दो काम किए गए, पेड
रेंट एंड सैलरीज, हमने रेंट के भी पैसे दिए हैं और उसके अलावा सैलरीज के भी पैसे दिए हैं। खास बात यह है कि आप रेंट दो चाहे सैलरी, इनडायरेक्टली आप कैश ही दोगे। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, फीस दे दी, ब्रोकरेज दे दी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें पेमेंट के अंदर क्या यूज करके दी जाती है? कैश। तो आपने जो रेंट दिया वो भी कैश है और जो सैलरी दी वो भी कैश है। टोटल बताओ, टोटल आपने कितना पैसा दिया? 3,700। तो आपका जो कैश है वो 3,700 कम कर दिया जाएगा। और ये रेंट देना, सैलरी देना, फीस देना, ये सब एक्सपेंसेस है। अगर आपके पैसे कम हो रहे हैं इसके कारण तो ये क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस। और अगर पैसे बढ़ रहे तो क्या कहलाते हैं? ये इनकम। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और जब भी आप पैसे खर्च करते हैं ना, आपका पैसा कम हो जाता है और आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंस सारे के सारे कैपिटल की फिगर को कम करते हैं और इनकम सारी की सारी कैपिटल की फिगर को बढ़ाती है। देखो, थोड़ी देर पहले इनकम हुई थी, कैपिटल बढ़ी, तो खर्चा होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। या तो इसके बदले में कोई नई एसेट मिले, नई एसेट तो मिल नहीं, क्योंकि रेंट देने से कोई एसेट नहीं मिलती, सिर्फ यूज करने का थोड़े दिन का मौका मिलता है, ठीक है। और आपने सैलरी दी उससे भी कोई चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ कोई वर्कर काम करते हैं, तो असेट तो क्रिएट होगी लेकिन पैसे जा रहे हैं। जब पैसे जाए और असेट ना मिले तो समझ लेना खर्चा हो गया, और खर्चा हमारी कैपिटल का बैलेंस भी क्या कर देता है? कम कर देता है। क्लियर है बात ये? तो हमारे पास 22,200 में से 3,700 माइनस कर दें, 18,500 की हमारी कैपिटल बची है, जिसे क्या बोलेंगे अब हमारी क्या है? न्यू इक्वेशन का बैलेंस है। और इधर 2,000 हमारे पास कैश बचा है, 11,000 बैंक है, 3,000 का हमारे पास स्टॉक है और 2,500 के हमारे पास इक्विपमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है पे टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। अब हमने पेड टेलीफोन बाय चेक, चेक से पेमेंट करनी है ₹2,000 के टेलीफोन के बिल की। मुझे बताइए, जब आप चेक से बिल की पेमेंट करेंगे तो आपकी किसी एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बैंक बैलेंस, बैंक में बैलेंस आपका कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितने का बिल आपने भर दिया, और बिल भर के आपको कोई एसेट भी नहीं मिलने वाली, तो इसका मतलब ये हो गया एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब भी होगा तो जितने पैसे कम होंगे उतनी ही आपकी कैपिटल भी कम कर दी जाएगी। क्लियर है? 3,000 का बिल भरते तो 3,000 की कैपिटल कम हो जाती, 4,000 का बिल भरते तो 4,000 की कैपिटल कम हो जाती। ये काम करने के बाद हमारे फिर से क्या आ जाएगी? न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारी कैपिटल घट के होगी है 16,500। यहाँ पर जहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा है वहाँ पे ज़ीरो डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारा कैश 2,000 है और जो बैंक बैलेंस है वो है 9,000, 3,000 का स्टॉक है और 2,500 के हमारे पास इक्विपमेंट है। लास्ट इसमें लिखा है परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है। क्रेडिट का मतलब पैसे दिए बिना खरीदा, ध्यान रखना, पैसे दिए खरीदे, पैसे बिना दिए खरीदने का मतलब ये नहीं कि फ्री में मिल गया है, अभी नहीं लेकिन बाद में पैसे देने पड़ेंगे। कितने का सामान खरीदा है? 3,000। पहली बात, जब आपने सामान खरीदा तो किसी ना किसी चीज जो असेट साइड में मैंने लिखा है, असर तो जरूर पड़ेगा। गुड्स, गुड्स का बैलेंस मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा उतना जितने का मैं खरीदूंगा। 3,000 का चाहे नगद खरीदूं चाहे उधार, लेकिन खरीदा तो बैलेंस तो इंक्रीज होगा। अब आपको वैसे तो पैसे फौरन देने होते हैं, लेकिन अगर आप फौरन पैसे ना दें इससे एक असर पड़ता है, कैश तो भी नहीं जाएगा लेकिन जितने पैसे आपने नहीं दिए उतने के आप बन जाएंगे कर्जदार, बन जाएंगे कर्जदार। और जो कर्जदार बन जाते हैं तो उसे लाइबिलिटीज में लिखना पड़ता है। कितने पैसे आपने नहीं दिए? 3,000, तो 3,000 के कर्जदार बन जाएंगे और उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जब सामान खरीद के पैसा ना दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। कितने का सामान खरीदा था? 3,000, तो कर्जा भी 3,000 का ही होगा। अगर 4,000 का खरीदा होता तो कर्जा 4,000 का होता, और 5,000 का खरीदा होता तो कर्जा भी 5,000 का। क्लियर है? दोनों जो वैल्यू होंगी वो हमेशा सेम ही होंगी, बाकी जगह पे कोई असर नहीं पड़ा। जहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा वहाँ पे डाल देते हैं जीरो, और फिर निकालते हैं फाइनल न्यू इक्वेशन। फाइनल न्यू इक्वेशन में हमारी कैपिटल 16,500 है और 3,000 पे हमारे पास किस चीज़ के हो गए हैं? क्रेडिटर्स के हो गए हैं। इधर 2,000 पे कैश है, 9,000 बैंक में है, 6,000 का हमारे पास गुड्स हो गया और 2,500 के हमारे पास इक्विपमेंट है। फाइनली आप इसका टोटल करेंगे, बोथ साइड का टोटल आपका सेम मिलेगा। यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है।